भारत भूमि संतों की महान भूमि रही है। इसमें ऐसे कई संत ऋषियों और गुरुओं का जन्म हुआ है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों को भक्ति तथा मोक्ष का मार्ग दिखाने में समर्पित कर दिया। ऐसे ही महान गुरुओं में से एक नाम आता है श्री पुंडरीक जी महाराज का। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकॉन दबा लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपके पास पहुंच जाए। श्री पुंडरीक गोस्वामी जी का जन्म 20 जुलाई 1988 को वृंदावन में श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी के यहाँ हुआ था। जिस उम्र में बच्चे केवल खेल खिलौनों में व्यस्त रहते हैं उस उम्र में महाराज जी ने अपने प्रवचनों से दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। इन्होंने मात्र 7 वर्ष की उम्र में पहली बार भक्तों को भागवत गीता का ज्ञान दिया। इन्होंने अपनी शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संपूर्ण की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने 21 साल की उम्र में अपने वंश का प्रचार प्रसार संभाला। ये अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को विभिन्न शास्त्रों के व्याख्यान द्वारा दुनिया भर में प्रचारित कर रहे हैं ताकि लोग जीवन के वास्तविक अर्थ को जानकर लाभ उठा सकें। इनकी कथा सुनने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं। इन्होंने सनातन धर्म के प्रचार तथा युवाओं को प्रबुद्ध करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी का अमृतसर में एक मंदिर का निर्माण कराया है। इन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार किया है। आज जब ये कथा कहते हैं तो लोगों की भीड़ इनकी कथा सुनने के लिए उमड़ पड़ती है। आज ये एक प्रसिद्ध कथाकार हैं तथा इनके देश विदेशों में काफ़ी भक्त हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें।